वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 4 साइंस में चैप्टर नंबर 1 पौधे के भाग एवं उनके कार्य, पौधे के भाग एवं उनके कार्य, इस चैप्टर के पिछले कई वीडियो हम बना चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा पौधों में अनुकूलन। पौधों में अनुकूलन टॉपिक में भी हमने दो तरह के अनुकूलन पौधों के आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, स्थलीय पौधे और जलीय पौधे। स्थलीय पौधे और जलीय पौधे अपना अनुकूलन कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और आज का हमारा है मरुस्थलीय पौधे और पर्वतीय पौधे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मरुस्थलीय पौधे अपना अनुकूलन कैसे बनाते हैं। मरुस्थलीय पौधे मतलब नाम से ही पता चलता है कि मरुस्थल में होने वाले पौधे। तो ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उनमें जो है उसकी देख सकते हैं आप चित्र में कटीली होती है पत्तियां, पत्तियों में ऐसे कांटे निकले होते हैं। इन कांटों की वजह से जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसमें नहीं हो पाती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना होने के कारण इनकी जो नमी होती है वो बनी रहती है, नमी इनकी सूखती नहीं है। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि धूप में जो है उसकी नमी, जो जल होता है उसमें, पौधे में उपस्थित जो जल होता है वो वाष्पीकृत होकर भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि पौधा या उसकी पत्तियां जो है धीरे धीरे सूख जाती हैं। लेकिन मरुस्थलीय पौधों में जो कांटे होते हैं उनकी पत्तियों में, वो कांटे जो है उसको वाष्पीकृत होने से, उसके अंदर जो जल होता है उसको वाष्पीकृत होने से रोकते हैं। और इसकी पत्तियां जो है वो बूंदेदार होती हैं, एकदम मोटी दलदार होती हैं, और जिसके कारण इसमें जल जो है लंबे समय तक संचित रहता है। क्योंकि मरुस्थलीय भाग जो होता है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और पानी की कमी होती है, तो ऐसे पौधे वहाँ पर उनकी आकृति और आकार, उनकी रचनाएं ऐसी होती हैं कि जिसके कारण उन मरुस्थलीय भागों में भी वो अपना अनुकूलन अच्छे से बना लेते हैं। क्योंकि उनकी आकृतियाँ ऐसी होती हैं कि जो है जो इसकी दलदार पत्तियां और तने जो दलदार होते हैं उसमें जल लंबे समय तक संचित रहता है, जिसके कारण पौधा जो है लंबे समय तक बिना पानी के भी जीवित रह लेता है। नहीं तो मोस्टली पौधे क्या होते हैं कि बिना पानी के सूख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतीय पौधे। पर इस तरह से मरुस्थलीय पौधे में आपने उदाहरण नहीं बताया आपको, नागफनी, सतावर इत्यादि ये पौधे जो है वो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतीय पौधे, जिसमें है चीड़, देवदार इत्यादि, ये सदाबहार पौधे होते हैं। पर्वतीय पौधे जो होते हैं वो सदाबहार होते हैं, यानी कि हमेशा जो है हरे भरे बने रहते हैं। इनकी भी एक विशेष आकृति होती है, क्योंकि पहाड़ों पर जो है वो बर्फ बहुत गिरती है, वहाँ का मौसम जो है ठंडा रहता है, तो जो बर्फ जिस समय गिरती है इनकी आकृतियाँ ऐसी होती हैं कि नीचे जो है चौड़ी होती है आकृति और ऊपर शंकुआकार आकृति होती है, नीचे चौड़ी और ऊपर पतली, ऐसे शंकुआकार आकृति होती है। ठीक है, जिसके कारण जो है जब बर्फ गिरती है तो वो बर्फ इन पर टिकती नहीं है, नहीं तो बर्फ जिस भी पौधे पर गिरती है वो पौधा जो है सूख जाता है बर्फ के कारण, अतिरिक्त ठंड जो है उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो पौधा सूख जाता है। लेकिन पर्वतीय पौधों की आकृतियां ऐसी होती हैं कि इस पर जो है बर्फ रुकती ही नहीं है और ये पौधे हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, इनको इसीलिए सदाबहार वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पौधों में अनुकूलन। पौधों में अनुकूलन टॉपिक के हमारे सारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं। चार तरह के पौधे थे, स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय और पर्वतीय। ठीक है, तो इन चारों प्रकार के पौधे अपना अपने वातावरण के अनुसार कैसे अनुकूलन मेंटेन करते हैं इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।